नमस्कार। दिनभर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खास खबरों पर नजर डालते हुए, यूपी के 5 शहरों में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट में लगाई रोक। टीकाकरण तेजी से नहीं कर पा रही सरकार, टीकों की कमी जिम्मेदार। सरकार नहीं जगा पाई मजदूरों में भरोसा, फिर से घर लौटने को मजबूर। सरकार की लेट लतीफी के कारण 162 की जगह 30 ऑक्सीजन प्लांट लगे। मोदी का भारत पत्रकारों के लिए खतरनाक, नेपाल श्रीलंका ज्यादा सुरक्षित। खास खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने उसे ये अंतरिम राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो अभी तक किए गए उपायों और आगे उठाए जाने वाले कदमों पर रिपोर्ट अदालत में पेश करें। इस याचिका पर 2 हफ्तों के बाद फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की बेंच ने योगी सरकार की याचिका पर सुनवाई की। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार की सुबह इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उससे राज्य के 5 शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन करने को कहा गया था। वहीं दूसरी ओर अब यूपी सरकार ने हफ्ते के अंत में वीकेंड लॉकडाउन लागू कर दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों गई और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश को क्यों उस पर रोक लगा दी। तो पहले यह माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अगर यह मामला जाएगा तो वहां से उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए अनुकूल फैसला मिलेगा, जो कि पहले भी होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं और एक के बाद एक ऐसे फैसले आते रहे हैं जिससे उन शंकाओं को मजबूती मिलती रही है, जिनसे ये रहा है, ये धारणा बनी है कि सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक आधार पर फैसले करता है, न्यायिक आधार पर नहीं। तो एक बार फिर से ये निश्चित रूप से लोगों के दिमाग में ये शक और भी पक्का हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार योगी सरकार को राहत दे दी है, जबकि हाई कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा था और जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी हैं, खासतौर से जो 5 बड़े शहर थे, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज इलाहाबाद, वहां पर स्थिति बहुत ही विस्फोटक है, बहुत ही दर्दनाक है और लगातार वहां की जो खबरें हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा करती रही हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही सही निर्देश दिया था, लेकिन योगी सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के हर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है और उसे वहां से राहत मिल जाती है, तो ये एक विडंबना कही जाएगी। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार क्यों चाहती है, क्यों अवॉइड कर रही है लॉकडाउन। तो अवॉइड लॉकडाउन को न लागू करने के पीछे ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की निगाह में मौजूदा पंचायत चुनाव भी हैं और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव भी हैं। लॉकडाउन लगने से अर्थव्यवस्था में थोड़ा रुकावट आती है, जिसकी वजह से सरकार को बदनामी का खतरा रहता है और ये योगी सरकार इस समय नहीं चाहती है। हालांकि लॉकडाउन लगाने का मकसद ये है कि लोगों की जानें बचाई जा सकें, संक्रमण को रोका जा सके, जो कि अर्थव्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने से ज्यादा जरूरी है। उसको तरजीह ज्यादा दी जानी चाहिए कि पहले लोगों की जानें बचें, बाद में रोजी रोटी का सवाल आएगा। जब आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा तो क्या खाएगा और क्या कमाएगा। लेकिन योगी सरकार की निगाह में सिर्फ चुनाव है, सिर्फ राजनीति है और वो राजनीति के वजह से ये सारे फैसले कर रही है, राजनीति की वजह से वो सच्चाइयां छुपा रही है। हम सब जानते हैं कि लखनऊ में किस तरह से श्मशान घाट को ढक दिया गया था, ताकि वहां जिस पैमाने पर लाशें जलाई जा रही थी उसकी खबर बाहर न जाए। इसके पहले भी वो बहुत सारे उपाय करती रही है। आंकड़े जो उत्तर प्रदेश में मृत्यु के हैं उनको वो कम करके बताती रही है, ये भी राष्ट्रीय स्तर पर इसका पर्दाफाश हो चुका है।
तो योगी सरकार सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि इससे उत्तर प्रदेश वासियों को क्या मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, उनकी जान पर जो जोखिम बना हुआ है वो उससे बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्तर प्रदेश में लगातार बनी हुई है और योगी सरकार के इस अड़ियल और जिद्दी रवैये से और जो राजनीतिक स्वार्थ है वो उसके कारण हम देख रहे हैं कि वो एक के बाद एक इलाहाबाद कोर्ट, हाई कोर्ट जो कि बहुत ढंग से बहुत सारे उत्तर प्रदेश के सवालों को एड्रेस कर रहा है, जो याचिकाएं आती हैं उन पर फैसला सुना रहा है और जहां भी योगी सरकार हीला हवाली करती है, झूठ बोलने की कोशिश करती है, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे सीए के खिलाफ प्रदर्शनों का मामला हो, उन सब मामलों पर उसने बहुत ही सही फैसले दिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो सही फैसले आखिरकार रुक गए हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगली खबर लेते हैं। राज्यों में लग रहे लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों का घरों को लौटना और भी तेज हो गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। दिल्ली में 6 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर का नजारा पिछले साल जैसा हो गया है। हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों की भीड़ घर जाने के लिए जुट गई है। कोरोना से अधिक लॉकडाउन से डरे मजदूर दोगुनी कीमत देकर भी घर जाने के लिए तैयार दिखे। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी मिनी लॉकडाउन के ऐलान के बाद रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिली थी, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि एक साल बाद भी कुछ बदला क्यों नहीं। तैयारियों का दावा करने वाली सरकारों ने इस एक साल में क्या किया? बहुत साफ है, इन सरकारों ने, चाहे वो राज्य की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकारें हों, उन्होंने मजदूरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। अभी ये जो एक हफ्ते का लॉकडाउन की घोषणा की अरविंद केजरीवाल ने, तब भी उन्होंने मजदूरों से कहा कि वो उन पर भरोसा रखें। उन्होंने कहा मैं हूं ना और आप यहां रहें, लेकिन इस मैं हूं ना में लोगों को भरोसा नहीं है। लोग उलट कर पूछ रहे हैं तू है कौन, क्योंकि तुम्हारे अरविंद केजरीवाल की अब दिल्ली की सरकार के लिहाज से कोई हैसियत नहीं रह गई है। दिल्ली सरकार के सारे अधिकार अब उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के पास आ गए हैं, तो अरविंद केजरीवाल अब एक कठपुतली मुख्यमंत्री से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते हैं और केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में कोई पहल नहीं की, कोई तैयारी नहीं की, ना ही मजदूरों को रोकने के लिए उसकी तरफ से कोई एक बयान भी आया। तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, ना कि केजरीवाल सरकार की, जिसमें केंद्र सरकार एक बार फिर से फेल साबित हुई है। पिछली बार याद होगा आपको, बिना सोचे समझे, बिना आगे पीछे की कोई योजना बनाए अचानक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी और लंबे लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी और उस लॉकडाउन के बाद लाखों लोग दिल्ली और दूसरे शहरों से अपने अपने घरों की तरफ पलायन करने लगे थे। तब भी इस सरकार ने कुछ नहीं किया था और तब भी सरकार केवल गाल बजाती रही या षड्यंत्र के आरोप लगाती रही, कभी कांग्रेस पर, कभी दूसरे दलों पर। यही मीडिया का रोल भी था और मीडिया अब भी उसी तरह से। तो एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, सब लोग मजदूरों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे और इस एक साल में इन सरकारों ने कोई भी सबक नहीं सीखा है। पिछली बार जो लॉकडाउन हुआ था, मान लिया कि एक चूक थी, लेकिन उसके बाद तैयारी होनी चाहिए थी, जब कोई दूसरा लॉकडाउन लगाया जाएगा तो हमें क्या क्या करना चाहिए, लेकिन वो भी कहीं नहीं दिखता है। महाराष्ट्र के बारे में सरकार, महाराष्ट्र सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि उसने थोड़ी बहुत तैयारी की थी, लेकिन सवाल उठता है कि कितनी तैयारी की थी और क्या वो पर्याप्त थी, क्योंकि मजदूरों का पलायन मजदूरों के देखभाल सुरक्षा से तो जुड़ा हुआ ही है, इन सब सवालों से भी जुड़ा हुआ कि वो लौट के जाएंगे जिन इलाकों में, वहां भी कोरोना उनके जरिए फैल सकता है, और दूसरी बात अर्थव्यवस्था जो पहले से लगातार झटके खा रही है उसको फिर एक बड़ा झटका लग सकता है। तो साफ है कि केंद्र सरकार के पास कोई योजना नहीं, वो विशुद्ध रूप से लापरवाह है और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी सरकार केवल इलेक्शन लड़ना जानती है, इलेक्शन की रणनीति बनाना जानती है, लोगों को धार्मिक आधार पर बांटकर राजनीति करना जानती है। उसे सरकार चलाना, प्रशासन चलाना नहीं आता है या इस बारे में वो सोचती ही नहीं है। अगली खबर लेते हैं।
देश में एक ओर जहां हर रोज 2.5 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर कोरोना टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। अगर पिछले हफ्ते में हुए टीकाकरण को देखें तो औसतन 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक हर रोज करीब 28 लाख खुराक दी गई, जबकि इससे एक हफ्ते पहले हर रोज का आंकड़ा 34.5 लाख का था। 5 अप्रैल को 43 लाख लोगों को टीका लगाने के बाद हर रोज टीका लगाने की संख्या 26 से 36 लाख के बीच में झूलती रही है और रविवार को तो सबसे कम 12.3 लाख डोज ही लगाए गए। टीकाकरण की धीमी रफ्तार के लिए लोगों को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है कि वो इसमें कम दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके अलावा कई राज्य टीकों की कमी का होने का भी आरोप केंद्र सरकार पर लगा चुके हैं। इस बीच 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाने की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार टीके की बढ़ती मांग को पूरा कर पाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने टीकाकरण के लिए जो लक्ष्य रखा था उसके मुताबिक अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को टीका लगना है। हालांकि अभी तक 8% लोगों को केवल एक डोज और केवल 1% लोगों को ही दोनों डोज मिल सकी हैं। देश में सोमवार तक 12,71,29,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी थी, या कुछ को दूसरी डोज भी दी गई है। तो टीकाकरण, जिसे माना जा रहा था कि ये सबसे बड़ा डिफेंस होगा, सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होगा संक्रमण को रोकने का, उस मामले में भी सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। और ये इसकी आशंका पहले से ही थी, क्योंकि सरकार ने इसकी कोई रणनीति नहीं बनाई थी, कोई योजना नहीं बनाई थी, और कैसे और कितनी वैक्सीन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसका उत्पादन कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, इसके बारे में भी उसके पास कोई रोड मैप नहीं था। तो ये सरकार अंधेरे में काम करती है, और चूँकि सिंगल वन मैन आर्मी है, ये केवल नरेंद्र मोदी सारे फैसले करते हैं, इसलिए बहुत सारे फैसले पेंडिंग रहते हैं और लेट लतीफ होते हैं, और वो 11th आवर में जाकर डॉक्टरों और फार्मा कंपनियों से मीटिंग करते हैं और फिर घोषणा कर देते हैं। तो ये एक सरकार में तदर्थवाद है, एटॉगिज्म है, जिसकी वजह से हर मामले में सरकार पिछड़ रही है। और ये बहुत ही गंभीर मामला है टीकाकरण का, क्योंकि अगर टीकाकरण सुस्त हो रहा है तो हम इतनी बड़ी आबादी को अपने लक्ष्य के समय के अंदर कैसे टीकाकरण कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। 30 अगस्त तक का 30 करोड़ का अगस्त तक का जो लक्ष्य है वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तो हमारे पास वैक्सीन की ही कमी है। वैक्सीन नहीं होगी तो टीका लगेंगे कैसे लोगों को, बहुत सारे राज्य इस तरह की शिकायत कर चुके हैं, जिसे केंद्र सरकार नकार देती है, जो कि आदतन ऐसा करती है, क्योंकि उसे पता है कि स्वीकार करेगी तो उसकी अपनी कमजोरी सामने आ जाएगी। लेकिन ये स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़ी विफलता मानी जानी चाहिए इस महासंकट के समय, कि सरकार जो एक काम अच्छे से कर सकती थी उसमें भी पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हो रही है। अगली खबर लेते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पिछले साल घोषित ऑक्सीजन प्लांट अभी तक नहीं लग पाए हैं। केंद्र सरकार ने देश के 162 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की थी, लेकिन घोषणा के 8 महीने बाद यानी अक्टूबर महीने में टेंडर निकाला गया और अभी भी सिर्फ 33 प्लांट ही लगाए जा सके हैं। ये बात खुद सरकार ही मान रही है। स्वास्थ्य विभाग ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अप्रैल 2021 के अंत तक 59 लगाए जाएंगे और मई 2021 के अंत तक 80। हालांकि मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ऐसे 100 से ज्यादा प्लांट और मंजूर किए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की किल्लत को बेहद गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राजधानी में कोविड-19 के मरीजों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की जा रही है, और केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या उद्योगों की ऑक्सीजन आपूर्ति कम करके उसे ऐसे मरीजों को मुहैया कराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा कि उद्योग इंतजार कर सकते हैं, मरीज नहीं। तो आप देखिए कि इस सरकार का, जो हम पिछली खबर में भी बात कर रहे थे कि कितना लापरवाह रवैया है इससे इस तरह के गंभीर मामलों में। ऑक्सीजन के प्लांट लगाने का फैसला पिछले साल फरवरी में किया गया था, अक्टूबर तक
उसके टेंडर ही फाइनल नहीं किए जा सके थे, तो आप 6-8 महीने उस पर बैठे रहे और उसके बाद फिर जब कदम आगे लिया तो अभी तक 1.5-1.75 साल में केवल 30 प्लांट जो 162 लगने थे केवल 30 प्लांट लगे, और ये कहा जा रहा है कि इस महीने के अंत तक कुल मिलाकर 59 प्लांट लग जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस सरकार की प्रायोरिटी क्या है। इस सरकार की प्रायोरिटी लोगों की स्वास्थ्य, लोगों की जान नहीं है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन की कमी को लेकर। बहुत सारे लोग ऑक्सीजन की कमी से जान गंवा चुके हैं। एक शहडोल जिले में एक छोटा सा एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ 24 घंटे में 16 लोगों ने जान गंवा दी। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश भर में क्या हालात होंगे, ऑक्सीजन की कमी से किस तरह से लोग जूझ रहे होंगे, किस तरह से लोग मर रहे होंगे, क्योंकि उनके पूरे आंकड़े तो हमारे पास आते भी नहीं हैं। तो हजारों की तादाद में इससे मारे जा रहे होंगे, और ये जो स्थिति बनी है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जिसने इस बहुत ही उच्च वरीयता वाले मामले को भी लापरवाही से डील किया। 8 महीने में टेंडर फाइनल किए और फिर 1.25 साल में 1/5-1/6 हिस्सा भी वो प्लांट नहीं लगवा सकी। तो दूसरी सरकारों को हमेशा दोष देती रहती है, प्रधानमंत्री बुलेट ट्रेन की बात करते हैं और अपनी जो उनकी सरकार की रफ्तार है वो एक घटिया पैसेंजर ट्रेन से भी बदतर है। इस मामले में तो खास तौर पर ये स्पष्ट हो जाता है। और आइए अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। भारत को एक बार फिर पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया गया है और पत्रकारिता करने के लिए एक बुरे देश की सूची में रखा गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में 180 देशों में से भारत को एक बार फिर से 142वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि भारत पिछले साल भी इसी स्थान पर था, उसमें कोई अच्छाई नहीं बदली, एक सूरत नहीं बदली कि वो बेहतर की तरफ जाता, वहीं पर मौजूद है। लेकिन 2016 के बाद से इसमें लगातार गिरावट आई है। 2016 में भारत 180 देशों में 133वें स्थान पर था। रिपोर्ट में बीजेपी समर्थकों द्वारा भय का माहौल को लेकर चर्चा की गई है और कहा गया कि भारत में आलोचना करने वाले पत्रकारों को देशद्रोही बता दिया जाता है। वहीं दक्षिण एशियाई देशों में पड़ोसी देश नेपाल 106वें स्थान पर है, श्रीलंका 127वें स्थान पर है, तख्तापलट से म्यांमार भी 140वें स्थान पर था, और पाकिस्तान, जिसे हम दिन रात कोसते रहते हैं लोकतंत्र के लिए, वहां की सेना के शासन के लिए, हस्तक्षेप के लिए, कट्टरपंथियों के लिए, आतंकवादियों के लिए, वो 145वें स्थान पर है, यानी भारत से थोड़ा ही नीचे। और चीन तो 177वें स्थान पर है। हम जानते हैं कि चीन में मीडिया की क्या स्थिति है। चीन में एक तरह से फ्रीडम ऑफ प्रेस है ही नहीं, तो उसकी बात ही करना बेमानी होगा। लेकिन भारत, जो अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वो की बढ़ चढ़ कर बातें करता है, वहाँ भारत में पत्रकारों की स्थिति बहुत नाजुक है। पत्रकारों पर सरकारें, राज्य सरकारें भी, केंद्र सरकारें भी, और खास तौर पर संघ परिवार के सदस्य निशाना साध रहे हैं, उन्हें बदनाम करते हैं, उनके चरित्र हनन करते हैं, उन पर आक्रमण करते हैं, उन्हें देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग और तमाम तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जो भी सरकार की आलोचना करता है, जो भी सवाल पूछता है, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ करता है, कहता है, उसको निशाना बनाया जाता है। तो भारत में स्थितियां लगातार बदतर होती जा रही हैं, और लोकतंत्र जैसे दूसरी लोकतांत्रिक संस्थाएं ढह रही हैं, वैसे मीडिया, जिसे चौथा खंभा माना जाता है, वो भी नेस्तनाबूद किया जा रहा है, उसे भी ढाया जा रहा है, और जाहिर है कि उसका सीधा असर पत्रकारों पर पड़ रहा है। पत्रकारों के लिए भारत एक बहुत ही खतरनाक देश बन गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी और आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।